नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। बारिश की वजह से बिगड़े हालात की दी जानकारी। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था सही करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। युवा धर्म संसद के शुभारंभ समारोह में की शिरकत। 24 राज्यों की यूथ ले रहे भाग। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन। बाबा केदार के जलाभिषेक और पूजा के बाद यात्रा की समाप्ति। जारी रहेगी लड़ाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लिखा पीएम को पत्र। भाजपा शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार को लेकर लगाया आरोप। रुद्रप्रयाग पोस्टर मामले में हरीश रावत ने उठाए सवाल। और रुद्रपुर में दो नशा तस्कर गिरफ्तार। प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप को बरामद किया। पुलिस कर रही पूछताछ। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि ऑडिटोरियम पहुंचकर यहां युवा धर्म संसद कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर महासचिव चंपत राय, आचार्य मिथिलेश नंदिनी, शरण महाराज, बाबा रामदेव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा यज्ञ संस्थानम के द्वारा आयोजित चतुर्थ युवा धर्म संसद में राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर देश की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम में पहुंचकर यहां पर शिरकत की है। सभी महानुभावों और युवा शक्ति का देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। और देश के अंदर आने वाली पीढ़ी कुछ विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। पूज्य महाराज श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने एक बहुत बड़ा संयोजन किया युवाओं का, युवा धर्म संसद के नाम से, जिसका ध्येय है कैरेक्टर के साथ कैरियर बिल्डिंग हो, चरित्र निर्माण के साथ समाज निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण हो, आने वाली भारत की युवा पीढ़ी संस्कारित तो हो, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित तो हो, और यह वीर प्रसूता भारत माता, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या के संकल्प से अनुप्राणित तो हो करके सब देश की युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान राम कृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य में भारी वर्षा की स्थिति का जायजा लिया और उसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और वर्चुअल माध्यम से जुड़े अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने गुरुवार को कहा कि मध्य भारत में उत्पन्न हुए दबाव के कारण अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उनके निकटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि उत्तराखंड में 12 से 14 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
चंपावत जिले में दो दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से क्षेत्र में भारी तबाही मची हुई है। दो दिन से जहां टनकपुर पिथौरागढ़ में सड़क कई जगह बंद पड़ी है, वहीं लोहाघाट में एनएच का 30 मीटर हिस्सा यानी कि 30 मीटर हिस्सा बह गया है। इस दौरान लोहाघाट के सीमांत डोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई है। साथ ही मटियानी क्षेत्र में बादल फटने से 3 भवन भूस्खलन की जद में आए हैं, जिसमें से 5 लोग दब गए। हालांकि ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। एक महिला लापता है, जिसकी खोजबीन लगातार जारी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एक ओर ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाकों में जलभराव से भारी नुकसान हुआ है। पूरे जिले में 5 स्टेट मार्ग सहित 39 रास्ते पूरे तरीके से बंद हैं। इसके अलावा गौला, नंधौर और कोसी नदियों में जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। गौला नदी में 45,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग शेरनाला आने से बंद हुआ है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हमारे मठ मंदिरों को भाजपा साजिश के तहत अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 सितंबर को दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के बहाने इस बीच दिग्गज नेताओं के बीच नजदीकियां भी बढ़ी हैं। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को आपदा के चलते स्थगित करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने दूसरे चरण में यात्रा फिर से शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया, उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते, और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए, QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा, जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की। लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली की सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर आपने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेशों के मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ धाम आने वाले मार्गों की स्थिति दयनीय है। यहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के कार्य किए जा रहे, जिससे केदारनाथ घाटी कमजोर हो रही है। पूरी जड़ खोखली हो गई है, कैसे केदारनाथ धाम बचेगा, कैसे हमारा ज्योतिर्लिंग बचेगा, ये चिंता का विषय है। नीति निर्धारक जो काम करना चाहिए वो नहीं करे, पैसे की केवल फुट फुट बड़ी मशीनें ले जाके दिन रात काम हो रहा, शांत बाबा को अशांत किया जा रहा है, सिलाई यहाँ से ले जाई जा रही है। और ये आप देखिए हाल, आप ये रास्ता देखिए, ये कांग्रेस की सरकार में ये रास्ता बना था वैकल्पिक मार्ग, आज ये बह गया, इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। पिछले 3 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, फिर एक विवादित पुरुष अधिकारी को यहाँ भेजा गया है, और वो क्या कर रहे हैं, 400-500 जो लेबर है उनके साथ ये समस्या परे है, लोग परेशान हैं, लोगों का रोजगार छिन रहा है, केदार बर्बाद हो रहा है और सरकार मदमस्त है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले 12 तारीख को शुरू की गई दूसरे चरण की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा का आज समापन हुआ है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के माध्यम से केदारनाथ सीट को साधने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा को निराधार बताया है। ऐसे क्रम में भाजपा का कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला को कोई भी कहीं ले जा नहीं सकता। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा नियुक्तियां करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना AICCC की संस्तुति के करते हैं, उसको शैला इसको इनकी प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है, तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है तो और क्या कहेंगे। जिस बाबा केदारनाथ की वहां पर शिला रखी गई है, उसको कोई क्या तोड़कर कहीं पर लेके जा सकता है। ये इनकी मानसिक विकलांगता का परिचय दे रहे हैं ये। और जिस प्रकार से ये कह रहे कि हमने केदारनाथ बाबा में जल चढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, आपको जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो जो उल्टे कर्म आपके रहे हैं, अब तक सनातन संस्कृति को आप मानते नहीं आए हैं, और कहा जाएगा और बिल्कुल उचित कहा जा रहा है कि हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर उतरे हैं। तो इस तरीके की जो ये कर रहे हैं चीजें, ये दर्शा रहा है कि अब इन्हें सनातन की संस्कृतियों पर विश्वास है। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लक्सर विकास खंड सभागार में आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अंतिवारी, SDM लक्सर, ब्लॉक प्रमुख सहित खंड विकास अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की समस्याओं को सुना है। साथ ही उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां भी दी हैं। बता दें कि इस बैठक के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। ग्राम प्रधानों ने पेयजल विभाग के जेई पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद लक्सर SDM गोपाल सिंह चौहान के द्वारा प्रधानों को पेयजल विभाग के जेई नीरज कपिल पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ है। अंतर्गत जितने भी गांव है, इनमें एक कार्य हुआ है, टंकी निर्माण कार्य है, इनमें समय बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत आज यहाँ अधिकारियों द्वारा की गई है। तो अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इसे हटाया जाएगा यहाँ से। BDC में हमारे सारे रेखी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, इसमें एजेंडा के अनुसार इसमें चर्चा भी की गई है। इसमें जल जीवन विषय को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश था, उनके जो फील्ड में काम हुए हैं उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उनके प्रतिनिधि भी थे यहाँ, तो उनको निर्देशित किया गया है कि जो वास्तविक रूप से जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं वो लिखित रूप से भी दे दें। कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी क्षेत्र पंचायत बैठक आयोजित हुई, उसमें 23 विभाग के पर हमारे उन पर विचार किया गया और सभी की समस्या हम लोगों ने सुनी है और सभी की समस्या का निराकरण भी यहाँ किया गया, और उसमें जो समस्या अभी रही है तो उन्हें हम 2-3 दिन में जल्द से जल्द उन समस्या का निराकरण कर देंगे। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अस्पताल में जन औषधि केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने OPD, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, सिटी स्कैन कक्ष, ICU, सर्जिकल वार्ड, आयुष्मान भारत काउंटर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, प्रसूति कक्ष, रिकॉर्ड रूम सहित अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है।
आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज सोहलपुर गाड़ा पहुंचकर माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाले युवक वसीम के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और विधायकों पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि 5 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय पर निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। बता दें कि बीती 25 अगस्त को सोहलपुर गाड़ा निवासी वसीम की माधोपुर स्थित तालाब में डूबने से मौत हुई थी। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस के अनुसार युवक गौकशी का आरोपी था और पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और मेरा जीवन भर का रिश्ता रहेगा। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, कभी कभी आक्रोश संवेदना भावनाओं के में बहके गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा गांव है यहाँ, 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था, लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ, 17 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हम ने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है और उस क्रांति का आह्वान भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा इस मंच से की गई है। 5 अक्टूबर को एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। और जैसा कि भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश भर से लोगों का आह्वान होगा, यहीं के नहीं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के हर बच्चे से, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ। रुद्रपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम ने चेकिंग के दौरान यूपी के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की है। दरअसल प्रदेश में नशे पर प्रतिबंध लग सके इसके लिए एएनटीएफ यूनिट प्रभारी कौशल भाकुनी टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने बाइक पर सवार 2 लोगों से पूछताछ करनी चाहिए तो वे भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने युवकों के बैग चेक किए तो उनके पास से पुलिस को नशे के 105 इंजेक्शन बरामद हुए जो प्रतिबंधित हैं। हालांकि पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। ये 105 नशीले इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। लगातार जो हमारा अभियान जो 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो पुलिस मुख्यालय का अभियान है 2025 तक नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड में, उसी के क्रम में ये भी कार्रवाई की गई है। इसमें 105 इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। थाना खजूरिया जिला रामपुर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और ये जहाँ से इंजेक्शन ला रहे थे और जिन्हें ये बेचने जा रहे थे, सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज इनके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें ग्रिम कार। उधर प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा में मौसम बड़ी बाधा बन रहा। बीते कल से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर काफी असर पड़ा है। तो वहीं इस क्रम में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बीते दिनों केदारनाथ में जो आपदा हुई थी उसके बाद पैदल मार्ग पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जिसे प्रदेश सरकार के द्वारा सही कर दिया गया था। वहीं लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही, खास तौर पर केदारनाथ घाटी पर काफी अधिक वर्षा हो रही, इस वजह से कई रास्ते बाधित हो रहे, लेकिन प्रदेश सरकार और हमारी कार्यदायी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और इन सभी रास्तों को दोबारा से सही किया जा रहा है।
देखिए, विगत 31 जुलाई को जो केदारनाथ घाटी में जो अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत युद्ध स्तर पर और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत त्वरित गति से कार्य करके उनको संपादित कर दिया था, मार्ग सुचारू कर दिए गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान में भी बहुत वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा हो रही है और केदार घाटी में खास करके काफ़ी वर्षा हो रही है। उसके कारण से जो पैदल मार्ग है या मोटर मार्ग हैं वो स्थान स्थान पर बाधित हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं वो निरंतर कार्य कर रही हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात रुड़की के मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला पुरकाजी के रास्ते पर मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया था। वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आज अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।